कैसे हो दोस्त आप लोग। मैंने रेस्टोरेंट में मैं आज पनीर अंगारा बताने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट में खाया हुआ था। मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ, जिस तरह मैंने खाया है मुझे बहुत अच्छा लगा था। जिसके लिए मैंने, देखिए, सबसे पहले पनीर ले लिया है मैंने, आप जितना चाहे पनीर ले सकते हो। उसके लिए मैंने 1 कप दूध ले लिया है, और इसके लिए धनिया लिया है, जीरा लिया है, हल्दी ली है, और एक गरम मसाला है और नमक है, और इसमें प्याज की ग्रेवी नहीं रहती है, इसलिए हरी प्याज ले ली है मैंने। ये हरी प्याज है, ये धनिया पाउडर है, किचन किंग मसाला है, ये काली मिर्ची है, और एक सफ़ेद तिल ले ली है मैंने, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ी सी कसूरी मेथी है, और ये मैंने थोड़ी सी एक लाल मिर्ची को काट कर रख लिया है। जिसको बनाने के लिए, देखिए, सबसे पहले इसकी ग्रेवी बनाते हैं। इसको थोड़ा सा पनीर को इसको तोड़ लेते हैं इस तरह, और इसको दूध में डाल के इसको पीस लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें एक चम्मच तेल डाल दिया है, तेल को गर्म होने तक। उसके बाद मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। जीरा के बाद मैंने इसमें हरी प्याज डाल दी है, और ये हरा धनिया डाल दिया है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, इसको इस तरह इधर डाल लेते हैं। उसको इस तरह चलाते हैं। यदि आपके पास पाव भाजी दबाने वाला मैचर है तो आप इस तरह दबा दीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ी हल्दी डालते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मैंने ये किचन किंग लिया है, आप सब लोग जानते होंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें। ये थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी मैंने, और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार जितना आपको डालना है। उसके बाद जो ग्रेवी बनाई हुई थी उसको डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह, और इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक सेकते हैं। ये देखिए ग्रेवी कितनी जल्दी बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने देते हैं।